इसमें से पैसे तुमने निकाले हैं? मुझे नहीं पता यार, और किसे पता होगा? इस घर में तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई तो रहता नहीं है। बताओ क्यों निकाले तुमने? हाँ मैंने ही निकाले थे। तो बताना चाहिए ना, ऐसे चोरी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं। अरे मेरे पर्स से पैसे निकाल रही हो और बोल रही हो कुछ नहीं? बोला ना मैंने कुछ नहीं। क्या करूं इस लड़की का? सुनो मुझे ना कल 2000 रुपए दे देना। 2000 रुपए किस लिए? क्योंकि मुझे चाहिए और किस लिए? अरे हाँ हाँ ठीक है, किस लिए चाहिए वही तो पूछ रहा हूँ। अरे मुझे चाहिए, मुझे जरूरत है और तुम मुझे पैसे दो। देखो मैंने पूछा किस लिए, काम बता दो। दो क्या, 5000 रुपए दे दूंगा, पर पहले काम बताओ। पैसे चाहिए ना तो काम तो बताना ही पड़ेगा, बिना वजह के मैं पैसे नहीं दूंगा। रीजन वीजन मुझे कुछ नहीं पता, तुम पैसे दे रहे हो या नहीं? अरे भाई तुम डेली पैसे मांगती रहती हो और जब मैं पूछता हूँ तो बताती नहीं हो। कम से कम मुझे बता तो दो तुम पैसे किस लिए मांग रही हो। रोज रोज पैसे मांगती रहती हो, पता नहीं क्या करती हो, आग लगाती हो क्या पैसे को? पैसे बताओगी कि क्यों चाहिए तभी दूंगा, वरना नहीं दूंगा। ठीक है तुम मुझे पैसे मत दो, और एक बात ना कान खोल के सुन लो, आज के बाद से मैं जॉब करूंगी और तुम घर पे बैठोगे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं कोई बकवास नहीं कर रही, मैं सही कह रही हूँ। आज के बाद ना सारे खर्चे मैं उठाऊंगी तुम्हारे और तुम घर पर रहोगे। तुमसे पैसे मांग मांग के ना मैं भिखारी बन गई हूँ। तुम्हें पता है हर किसी को ना उसके काम करने की सैलरी मिलती है, यहाँ तक कि बच्चों को पॉकेट मनी तक मिलती है, और एक हाउस वाइफ ही है जिसको कोई सैलरी नहीं मिलती पर काम पूरा करती है। और तुम क्या बोलते हो, बेबी ये घर तुम्हारा है, तुम्हारे नाम पे ही तो है, सब कुछ तुम्हारा है, पर इस घर का क्या मैं अचार डालूं? ये घर हमें कोई पैसे नहीं देता, और जब बीवी अपने पति से पैसे मांग ले तो तुम लोगों का हिसाब चालू हो जाता है। मुझे नहीं रहना इस घर में। देखो मेरा ना दिमाग मत खराब करो, चुपचाप अपना ये काम कर लो। सुनो इधर, तुम्हें हिसाब चाहिए था ना, तो वो 200 रुपए जो मैंने तुम्हारे पर्स से निकाले थे ना, वो मैंने गाड़ी धुलवाने के लिए लिए थे, और जो 1000 रुपए लिए थे ना मैंने, वो सिलेंडर भरवाने के लिए लिए थे, और आज जो मैं पैसे मांग रही थी ना, वो किचन की पाइपलाइन के लिए मांग रही थी, क्योंकि वो खराब हो गई है। और मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे पैसे मांग कर अपने ऊपर उड़ाने का। और इन सब में से ना थोड़े पैसे जो बच भी जाते हैं ना, उसको मैं सेविंग कर लेती हूँ हमारे फ्यूचर के लिए, ताकि कल को हमारे बुरे वक्त में काम आ सके, बच्चों के लिए काम आ सके। तुम्हें तो हिसाब चाहिए था ना, तो ले लो हिसाब। और हाँ एक बात मेरी ध्यान रखना, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना, तो तुम्हें मुझे हर मंथ 20000 रुपए देने होंगे, वरना कोई जरूरत नहीं है मेरे साथ रहने की। यार अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो कहाँ रहूंगा? और 20000 रुपए ठीक है ले लेना, गलती मेरी है मुझे पता है, मैंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बिल्कुल भी गुस्सा मत हो मेरे से, मैं कान पकड़ के बोलता हूँ सॉरी।